तो देखिए 2 से 3 दिन तक हम इसको अच्छी धूप में सुखाए हैं। ये आलू और तीसी से बना हुआ तिसौरी है। अब हम इसको तेल में तल के आपको दिखाते हैं ये कैसे बनता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और सेहत के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए कितना अच्छे से ये तल के बिल्कुल रेडी हुआ है, उसको खाइए बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और सेहत के लिए भी जो है तीसी बहुत फायदेमंद होता है। अब हम इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में। तो देखिए तिसौरी बिल्कुल रेडी है, इसको आप चावल दाल के साथ खाइए बहुत ही टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, bhairecipe.com में आपका स्वागत है। मैं सीमा तिवारी आज आप लोगों को तिसौरी बनाने की विधि बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्थ के लिए बहुत ही जो लाभदायक होता है तीसी। तो देखिए हम यहाँ तीसी लिए हैं 250 ग्राम और ये आलू है, उबला हुआ आलू है, इसको हम सिलबट्टे पे पीस लिए हैं। आप मिक्सी में भी पीस सकती हैं, बिना पानी के पीसना थोड़ा कठिन होता है, तो आप उसमें भी पीस सकती हैं या फिर अच्छे से इसको मिक्स कीजिए या फिर सिलबट्टे पे पीस लीजिए। इसमें गुठली नहीं होना चाहिए आलू में। और ये तीसी है 250 ग्राम। यहाँ हम 2.5 किलो आलू लिए हैं, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। ये लाल मिर्च है और ये जीरा और काली मिर्च पाउडर मिर्च है, इसको बारीक पीस लिए हैं। तो देखिए हम यहाँ ये पीस कटोरी में रख लिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक है। इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे आलू में और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। एक बार वीडियो देख करके जरूर बनाइए। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स करते हुए स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और ये लाल मिर्च और जीरा काली मिर्च है, इसको हम बारीक पीस लिए हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और फिर हम अच्छी धूप में इसे पन्नी पे डाल करके प्लास्टिक पे इसको छोटा छोटा गोल गोल बना लेंगे और अच्छी धूप में इसे सुखाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। देखिए इसी आजकल जो है विलुप्त होते जा रहा है, लोग तेल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस तरह तीसी का जो है आप सही से उपयोग कीजिए, बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको धूप में छोटा छोटा गोल गोल इसको तैयार करेंगे, आपको आगे दिखाते हैं वीडियो। तो देखिए अब हम अच्छे धूप में इसको पन्नी पे इस तरीके से छोटा छोटा इसको हम बना लेंगे और अच्छी धूप में हम 2 से 3 दिन इसको हम रखेंगे। हल्का सा पानी के हाथ से भी आप बना सकती हैं अगर अच्छे से ये न गिरे तो, ऐसे आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए उबले हुए आलू और तीसी से बने तिसौरी को इसी तरह से आपको जो है धूप में पन्नी पे बना लेना है छोटा छोटा और 2 से 3 दिन अच्छे धूप में इसको सुखाना है। फिर सूखने के बाद इसको तेल में तल के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं या चाय के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो देख करके एक बार जरूर आलू की तिसौरी बनाइए। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखकर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल bhairecipe सीमा तिवारी है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसा लगा। धन्यवाद।